नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम अपराध तक। देश भर की तमाम अपराध की खबरों को लेकर हम होते हैं आपसे रूबरू। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे बिहार की, जहां पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार का नाम विमल कुमार यादव बताया जा रहा है, जो अपने घर में आराम फरमा रहा था। नींद में सोए विमल पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला चार लोगों ने मिलकर किया। अब तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरी खबर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां दादर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC की कर्मचारी का धक्का लग गया, जिससे महिला आग बबूला हो गई और महिला ने छाते से पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला के पति ने इस कर्मचारी से मारपीट शुरू की और कर्मचारी को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया। पलक झपकते ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ गई और कर्मचारी की वही मौत हो गई। इस घटना के बाद धड़कम मच गया और GRP पुलिस ने तत्काल इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी खबर राजस्थान की कोटा की है। कोटा, जो सब इंजीनियर और डॉक्टरों के छात्रों का ख्वाब होता है, आज उसी कोटा शहर में ख्वाब अपने दम तोड़ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में 4 सुसाइड और 8 महीने में 22 हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इनकी कहानी ही सुन लेंगे तो आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे एक कहानी है इंजीनियर के छात्र की, जो बिहार से अपने बोरिया में ढेर सारे सपने लेके आया था। 11वीं 12वीं तक उसके परसेंटेज काफी अच्छे थे। माँ बाप को लगा बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटा आ गया कोटा, जहाँ उसको उसके जैसे तमाम मासूम बच्चे दिखे। इतना कंपटीशन देख के वो घुट गया और धीरे धीरे उसकी ये घुटन इतनी बढ़ गई कि इस घुटन से छुटकारा पाने के लिए उसको एक ही रास्ता दिखा, वो था वाटर कूलर का एक पाइप। अब आते हैं उपराजधानी नागपुर में, जहां स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। नागपुर के बढ़ते अपराध अब पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके हैं। सदर के छावनी परिसर में स्थित होटल सिटी स्कैप में स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने होटल में छापा मारा और 6 पीड़ित लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया। महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि होटल का संचालक फरार है। पुलिस ने सिटी स्कैप होटल के संचालक ओम उर्फ अविनाश कदम को भी आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात पुलिस ने 2 पंटर ग्राहक तैयार कर आरोपियों के पास भेजे। सौदा तय करते ही पंटरों ने पुलिस को इशारा दिया और छापा मारा। जांच करने पर पुलिस को 2 कमरों में युवतियां मिली और पिंकी, जो कि उनकी टीम की एक आरोपी है, उसने एक कमरे में 4 युवतियों को छिपा रखा था। पुलिस ने आरोपियों से 6 मोबाइल फोन जब्त किए, सभी के मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी पिंकी है, जो पुलिस के कब्जे में है। 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को डिजिटल गैजेट्स के साथ साथ नशीली चीजों का भी लत लग गया है। खबर है नागपुर शहर की, जहां पर कई जगहों पर रेस्टोरेंट, कैफे आदि की आड़ में हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। ऐसी एक रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे हुक्का पार्लर पर अंबाजरी पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की, जिसके 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिनका नाम अभिलष्ट गौतम भावे व अमित राजू कंगाले बताया गया। और ऐसे ही एक अमरावती रोड पर स्थित डॉकयार्ड कैफे मालिक अतुल रॉय की तलाश पुलिस कर रही है। इस कार्रवाई में 8,025 रुपए का माल जब्त किया गया है। चलते हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है बेंगलुरु से। सोशल मीडिया के जरिए यह आरोपी लड़की पहले दोस्ती करती है और फिर लोगों को फंसाती है, और उनके झांसे में आने के बाद ही मोटी रकम उनसे वसूल लेती है। आरोपी लड़की के साथ और 3 आरोपी भी मौजूद हैं। लड़की का नाम नेहा बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में रहने वाली है। एक पीड़ित द्वारा बताया गया कि नेहा ने पहले उससे टेलीग्राम के जरिए दोस्ती करी और फिर उसे घर बुलाया। पीड़ित उसके घर भी गया और उनका फिजिकल हुआ, और नेहा के साथ ही लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद पीड़ित को डरा धमका के उससे पैसे वसूल लिए। अपराध तक में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे इसी समय पर नए मामलों के साथ। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।